इंजन कटता है इसमें से। अच्छा, ये इंजन कट के उधर लगेगा। अच्छा, ये इंजन कट के आगे लगेगा, मतलब बेसिकली पोजीशन चेंज होगा इंजन का। ओके यात्री, कृपया ध्यान दें, शताब्दी एक्सप्रेस में भारतीय रेल हार्दिक स्वागत करती है। हम आपकी सहज, सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए कामना करते हैं। दोस्तों, बड़े भारी मन से आज कहना पड़ रहा है कि आज का ये ब्लॉग आखिरी ट्रेन ब्लॉग होगा एक्सट्रीम रोड्स पर। इसका कारण क्या है वो ब्लॉग के आखिर में आपको पता चल जाएगा। बस यूं ही प्यार देते रहिए और शुक्रिया आज तक ट्रेन ब्लॉग्स देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आपका स्वागत करती हूँ देहरादून से। वेल दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ट्रेन बोर्ड करने वाली हूँ। वेल, कुछ समझ में आ रहा है? दिख तो रही है पूरी ट्रेन खाली खाली सी। अभी तक मैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास में, और वैसे शताब्दी एक्सप्रेस में होती है एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास और चेयर क्लास, तो हम लोग आज इसका मज़ा लेंगे। वैसे पूरी की पूरी ट्रेन खाली है जैसे कि आप देख रहे हो, और पैंट्री सिस्टम मुझे लगता है कि उतना है नहीं, लेकिन हाँ चाय आ चुकी है जैसे कि हम देख रहे हैं। कॉफ़ी चाय, मतलब इस आवाज़ से आपको समझ में आ गया कि ये जो है फ्री नहीं है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टिकट्स, और आपको बाय करनी होगी अगर आप चाहते हैं तो। तो मील्स आर नॉट सर्व्ड इन दिस ट्रेन एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये कोविड स्पेशल है इसीलिए इसका नंबर भी जीरो है आगे। ये है मेरी सीट और मेरे साथ आज है अदिति नंदन। नॉर्मली आप लोग देखते हो दिव्या आर्यन को द डॉन, आज डॉन नहीं है लेकिन माय अदर पार्टनर अदिति नंदन है। He is busy on the call. Hi, hello. I'm busy on the call. Okay. We'll catch you later. Sure. By that time, कुछ और बातें हो जाए। तब हमारा साइरन बज चुका है। वैसे यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि नॉर्मली कोविड के बाद जो है कई स्टेशन पर, मोस्टली स्टेशन पर जो है सैनिटाइजेशन और सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है, पर यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है।
तो मैं, आपने तो देखा जैसे मैं घुसी एंटर हो गई और सीधे अपने कोच की तरफ आ गई। ट्रेन कभी कभी झटके मारती है। बाय देहरादून। वैसे आप देख रहे हो हिंदी में है, इंग्लिश में है और उर्दू में लिखा हुआ है। आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी सीटों के नीचे अपना सामान रखने के लिए उचित स्थान का उपयोग करें। इससे मुक्त आवाजाही में मदद मिलेगी। डिब्बों और शौचालयों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी ट्रेन पर उपलब्ध है। जब कभी भी आवश्यकता हो इनकी सेवाओं का उपयोग करें। सभी स्टेशनों पर आप अपना सामान का सुझाव या शिकायत दर्ज करें। तो वैसे यहाँ पर है पानी भी है, अब मैं वेस्ट करूंगी तो कोई बोलेगा कि वेस्ट करती हूँ, मैं खोलूंगी तो बोलोगे कि आप वेस्ट करती हो। एनीवेज तो ये बेसिकली है ब्रांड लैंग्वेज और ये काम आता है जो लाइट होते हैं उनके लिए। ये हमारा टीपी है वेस्टर्न कमोड और ये है किट्स के लिए। आपके पास वॉशर है तो काइंडली वही यूज कीजिए, नीचे मत फेंक दीजिएगा प्लीज। और हाँ इसे करना मत भूलिएगा। और यहाँ का जो एम्बियंस है वो है एकदम ही केसरिया। ओके पूरा जो है सन फ्लेम दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर डस्टबिन है तो कृपया करके डस्टबिन का उपयोग करेंगे। अब हम जाते हैं अपना स्लाइडिंग डोर ओपन करके अंदर की तरफ। और अब मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में कुल जो है 56 सीट्स होती हैं 2x2। ये 02018 शताब्दी एक्सप्रेस जो कि शताब्दी कोविड स्पेशल एक्सप्रेस जो कि देहरादून से लेकर न्यू दिल्ली जा रही है, कुल मिलाकर के 314 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाली है। और ये कुल मिलाकर के 8 स्टेशंस पर रुकती है, जिसमें देहरादून पहले आता है, उसके बाद आएगा हरिद्वार जंक्शन, हरिद्वार जंक्शन के बाद आएगा रुड़की, रुड़की के बाद सहारनपुर, उसके बाद आएगा मेरठ सिटी और मेरठ सिटी के बाद आएगा गाजियाबाद और फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हम बीच में 6 हॉल्स लेंगे और ये बेसिकली ट्रेन शुरू होती है 5 बजे एग्जैक्ट टाइम पर। शताब्दी का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि 5 बजे डॉट ये शुरू हो ही जाती है, बेसिकली टाइम पर आती है वो। तो देहरादून से 5 बजे निकलती है और न्यू दिल्ली पहुंचती है रात के 10:50 को। तो कुल मिलाकर के 5 घंटे और 50 मिनट का वक्त लेती है 314 किलोमीटर के लिए। अब मैं बाकी की बात आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं चेंज करके आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे पता है कि दिल्ली में थोड़ी सी ठंड होगी लेकिन राइट नाउ आई एम अनएबल टू बेयर इट। खूबसूरत नज़ारों से होती हुई ये ट्रेन देहरादून से न्यू दिल्ली की ओर जा रही है। वैसे दोस्तों ये ट्रेन का लोकोमोटिव जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार और चेयर कार को खींचते हुए जा रहा है वो है WAP-7 लोकोमोटिव। और एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास के 2 कोचेज होते हैं E1 E2 और चेयर क्लास के होते हैं 12 कोचेज। हम अभी एग्जीक्यूटिव चेयर कार में हैं, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ मैं कपड़े चेंज करके आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे था कि ठंड होगी लेकिन पता नहीं अचानक से जो है क्लाइमेट 2 दिन से चेंज हो गया है और पूरी तरीके से जो है ठंड का पूरे के पूरे उत्तराखंड में मैंने देखा कि सारे के सारे रोड्स जो हैं वो एक्सपेंशन में हैं और सब जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अभी तो आपको धूल धक्कड़ दिखाई देगी लेकिन आगे के लिए आपको बहुत ही स्मूथ रोड मिलने वाले हैं।
वैसे आप लोगों ने एक्सट्रीम रोड्स पर चार धाम की सीरीज देखी होगी अगर, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो हैं धूल धक्कड़ से होते हुए पूरे चार धाम की सीरीज की थी, यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ। वाओ, वैसे शताब्दी एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जाने का मज़ा और होता है, लेकिन वो तब जब इसमें केटरिंग भी हो। ऑफकोर्स इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होती है कंपेयर टू चेयर कार की, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में बेसिकली जो है हमें पे करने होते हैं 1120 रुपीज़ और चेयर कार के होते हैं 580 रुपये। मैंने पहले प्लान किया क्योंकि सीट्स एकदम खाली थी, मैंने एक घंटे पहले ही बुक किया बिकॉज इतना डाइसी था, क्योंकि मैं एक मीटिंग में गई थी एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके चलते हमें किसी से मिलना था देहरादून में, और मैं बहुत ही स्पीडी स्पीडी आई थी, लेकिन ट्रेन देख करके मेरे अंदर एक्साइटमेंट जाग उठी और मैंने सोचा कि मुझे इसका ब्लॉग बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे देहरादून के काफ़ी सारे दोस्त हैं जो चाहते थे कि मैं ब्लॉग करूँ। वेल, इससे अभी ये जो पाव लेकर के आए हैं, बेसिकली यू विल हैव टू बाय बिकॉज इसमें ऑन बोर्ड पैंट्री पहले थी, लेकिन आफ्टर कोविड जो है इसमें पैंट्री नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो है मतलब फ्री सर्विस नहीं है, और उसके अमाउंट भी आपके टिकट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको खुद खरीदना होता है। कितने का भी है, कितने का पोहा, कितने का? 75। खाना भी होगा हल्दीराम का, हल्दीराम का मिलता है खाना सब। अच्छा, सारा खाना हल्दीराम का है, जो राजमा राइस है, दाल मखनी है और वेज बिरयानी है। तो वो कितने की? अलग अलग रेट है मैम सब। बिरयानी का कितना? 125। और राजमा चावल का? 150। और दूसरा क्या मिलता है? मटर पनीर। वो कितने का? 180। पूरी थाली मिलती है, चावल दाल सब्जी सब। ओके, मिठाई भी मिलती है? नहीं नहीं, राइस है। अच्छा, सिर्फ राइस के साथ है, रोटी वोटी नहीं? चपाती नहीं। देहरादून के दोस्तों, देहरादून को सिटी ऑफ लव क्यों कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाए। वेल दोस्तों, देहरादून जो है वो कैपिटल सिटी है उत्तराखंड का, और ये हिमालयन फुट हिल्स पर पड़ता है, और मसूरी देहरादून से जाया जाता है। वैसे हमारे चार धाम की सीरीज में तो आपने देखा ही होगा, और वैसे भी कुंभ नज़दीक है, तो कुंभ भी हो रहा है, तो आप ये ट्रेन पकड़ करके हरिद्वार भी जा सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, और इट्स सो वंडरफुल। जो पवित्र नदी गंगा के तट पर है, भारत में चार स्थानों पर हर 12 वर्ष के बाद जहां अमृत गिर गया था कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार एक है। चश्मे का सबसे बड़ा डंडा है कि अगर मास्क होता है तो उसका फॉग उसमें जाता है, आजकल तो एंटी फॉग मास्क भी आ गए हैं। वह दोस्तों, तो 6:12 एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी है हरिद्वार पर, और 52 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये देहरादून से हरिद्वार आई है। तो हरिद्वार जंक्शन पे तो काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अब ट्रेन बढ़ जाने वाली है। वैसे तो मुझे सारी सीट्स मिल रही थी, यहाँ पर भी शायद ट्रेन जो है 2 मिनट के लिए रुकेगी और उसके बाद प्रस्थान कर जाएगी। हरिद्वार जो है वो हरि का द्वार है, जी हाँ, और इस देवभूमि में हम लोग पहुँच चुके हैं। हरिद्वार एक वो स्पॉट है जहाँ पर से आप कुंभ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ जो है इस साल 2021 में हरिद्वार में होने वाला है, और इसकी शुरुआत जो है होने वाली है मार्च 11 से। पहला शाही स्नान मार्च 11 को होने वाला है। वाओ, इवन मैं एक्साइटेड हूँ कवर करने के लिए। लेट्स सी, एवरीथिंग गोज वेल तो मैं बिल्कुल आऊँगी, और अभी मेरी ट्रेन चलने वाली है लगता है। अगर आप गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं तो हरिद्वार बिल्कुल आइए, क्योंकि यहाँ पे आप पावन हो जाएंगे गंगा में एक डुबकी लगा कर, सारे पाप धुल जाएंगे आपके। वेल, पाप धुले ना धुले, लेकिन मन ज़रूर ट्रिप हो जाएगा। तब दोस्तों, हरिद्वार जंक्शन से हमारी ट्रेन एग्जैक्ट 6:18 को निकल चुकी है, तो बेसिकली 5-6 मिनट का हॉल्ट होता है और फिर प्रस्थान कर लेते हैं।
कर ली थी ट्रेन ने। वेल दोस्तों, तो फिर हम अब मैं आपको बताती हूँ कि इवन यहाँ पे पर ब्रेल लैंग्वेज है, आप देख रहे हो ये, और पावर प्लग है यहाँ पर, आप अपने फ़ोन्स चार्ज कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर जो है सनशेड है, पुल पुल पुल, ये सीट जो है पुश बैक है, और अच्छा सा नीला रंग है जो कि अदिति का फेवरेट कलर है। पुश बैक कितनी जाती है, इतनी हम इस सीट और उस सीट में अंतर देखते हैं कितना है। हाँ इतना है तुम्हारे लिए, इनफ है कि और थोड़ा लंबा चाहिए, इनफ है। यहाँ पर लीवर होता है और पीछे जाना। देखिए मैं कितने पीछे गई हूँ, कितने की कॉफ़ी, 20 शताब्दी में बिठा करके पैसा लोगे तुम? सर एक तारीख तक तो लेनी है। कितने तारीख तक? एक तारीख तक, उसके बाद हो जाएगा रेगुलर जैसा पहले था। वाह, ये हैंडल जो है जैसे फ्लाइट में आप ऊपर कर सकते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं, और फिर मजे से कॉफी भी पीजिए। वेल दोस्तों, तो हम लोग रुड़की पहुंच चुके हैं और ये 6:57 पर आती है और 6:59 को निकल जाती है, और हॉर्न बज चुका है, 2 मिनट में ये ट्रेन निकल जाती है। और रुड़की बेसिकली जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT रुड़की, उसका कैंपस बहुत खूबसूरत है। ओल्डेस्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का, करीब मेरे ख्याल से 1853 से। गरम मैगी, टमाटर सूप। वेल दोस्तों, हम लोग सहारनपुर पहुंच चुके हैं और करीबन 128 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है देहरादून से लेकर सहारनपुर तक। बेसिकली सहारनपुर माना जाता है अपने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पे वुड कार्विंग काफ़ी खूबसूरत होता है। बेसिकली यहाँ का वुड फर्नीचर बहुत ही शानदार होता है, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी ये माना जाता है। मैंगोज़ यहाँ पर, मैंगो और बासमती चावल, ये बहुत अच्छे होते हैं। वैसे सहारनपुर में जो है शफल होता है इंजन, वहाँ पर शायद वही काम चल रहा है, वहाँ तक जाएं। वैसे दोस्तों सहारनपुर जो नाम है ये थोड़ा देर निकाल देती हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सहारनपुर नाम गिरा था एक सूफी सेंट थे शाह हरुन चिश्ती, उनके नाम से पड़ा है। बेसिकली मोहम्मद तुगलक जो है वो नॉर्दर्न दोआब में आए थे, दोआब उसे बोला जाता है जो दो रिवर के बीच में स्पेस होती है उस जगह को, और जब वो यहाँ पर आए थे ध्वस्त करने के लिए शिवालिक किंग्स को, तो उस दौरान जो है वो उन्होंने सुना था सूफी सेंट के बारे में, और बस उन्हें ये लगा कि इस जगह का नाम सहारनपुर पड़ना चाहिए उन्हीं के नाम से, जो कि सूफी सेंट थे शाह हरुन चिश्ती। देखिए इंजन चला गया यहाँ से, सेपरेट हो चुका है ये इंजन, कटता है इसमें से। अच्छा ये इंजन कट के उधर लगेगा, अच्छा ये इंजन कट के आगे लगेगा, मतलब बेसिकली पोजीशन चेंज होगा इंजन का। ओके, मतलब जहाँ से आए वहीं वापस जाएंगे, ट्रैक चेंज होगा। अच्छा, तो वो ट्रैक को क्या बोलते हैं जिस ट्रैक को हम शिफ्ट करेंगे मेरठ की तरफ वाला? ओके, आप देख रहे हैं यहाँ से इंजन अलग हो चुका है,
और सेम इंजन जाएगा उधर? वही सेम, यही वाला। अच्छा, घूम के। जैसे कि आपने देखा इंजन यहाँ पर अलग हो जाता है सहारनपुर में, और उस कारण से यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट होता है। तो इस 20 मिनट के हॉल्ट में ये इंजन यहाँ से पीछे से सेपरेट होगा और फिर वो आगे की तरफ लग जाएगा, और फिर हम मेरठ के द्वारा दिल्ली की ओर जाएंगे, क्योंकि ट्रैक शिफ्ट कर जाएगा। प्लेटफॉर्म पर इस बाकड़े की सीट पर बैठ करके थोड़ा सा आनंद लेना बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसका मज़ा कुछ और होता है। चूँकि यहाँ पर हम 20 मिनट के लिए रुके हुए हैं, और ये ट्रेन बेसिकली आती है सहारनपुर 7:35 को, और यहाँ से निकलेगी 8 के आसपास। वैसे कहा तो जा रहा है कि 20 मिनट, लेकिन ऑफिशियली इसका टाइम जो है वो 8 का है यहाँ से प्रस्थान लेने का। शीतल सा जो वातावरण है बाहर, बहुत ठंड नहीं है, मैंने इनर विनर सब निकाल दिया है। आई एम जस्ट वेयरिंग लिटिल फुल और आई एम फीलिंग लिटिल कम्फर्टेबल नाउ। लेकिन ट्रेन की हलचल, यहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती हैं, हाथ गाड़ी होती है, जैसे कि अभी मेरे पास से जाने वाली है एक, जो सामान लेकर के जाती है, ये सारे नज़ारे भी देखने लायक होते हैं। एंड इंडियन रेलवेज की तो बात ही कुछ अलग है ना दोस्तों? तो एक लाइक बनता है, जल्दी लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो सिटी बज चुकी है, साइरन बज चुका है, और अब ट्रेन कह रही है मेरे प्रस्थान होने का समय आ चुका है। तो इंजन को शिफ्ट करते हुए अब इंजन आगे चला गया है, और अब मेरठ की तरफ रुक कर रहे हैं हम लोग। टाइम देख रहे हो, एग्जैक्ट 8 निकल चुकी है। ओ, मैं ये कहना तो आप लोगों को भूल गई थी कि हम बेसिकली रुड़की से ही उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, और सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे बहुत ही टैलेंटेड रोस्टर हैं, और जिनका नाम है कीरत सिंह। ओके, सो कीरत सिंह इज़ बेसिकली वेरी मच इंटरेस्टेड इन रोस्ट वीडियोस, और हम लोग हो सकता है इन फ्यूचर उनको देखें यूट्यूब चैनल में, और या तो फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। तो अगर कहीं पे भी ये दिखाई दे तो उसे एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये है अगम, और सिंग। ये आने से पहले आगामी नहीं देता। यस, ये सिंह है, सिंह इज किंग है। नहीं, सिंह किंग नहीं। मैं किसी के साथ चीजें नहीं शेयर करता, और वो मुझे अच्छी लगती है कि मैं चीजें ना शेयर करूं। ऐसा? तो फिर किसी से भी नहीं शेयर करते, अपने अंदर ही रखते हो? हाँ, फिर बाद में अंदर घुटन होने लग जाएगी तो तब क्या करोगे? किसी से जाके बोल देना, किसी से तो बोल देना, या एक वीडियो बना देना और मम्मी को जाके दे देना। कॉफी, चाय, ये तो नहीं बोल, ये नहीं बोलेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे? ओके गाइस, सो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बोले दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट 8:43 को मुजफ्फरनगर में। यहां से बस 2 में ही ट्रेन चल देगी, रवाना हो जाएंगे हम दिल्ली की ओर। मतलब 8:45 को। ऐसे लोग हैं जो खाना खाना चाहते हैं, सारे लोग वो नहीं हैं जो घर से खाना लेकर आते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था कोविड के बाद, कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, ताकि जो है
हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और खाना वाना जो है सब अपने घर से लेकर के आए ट्रेन में, लेकिन अब एक मार्च से तो रिज्यूम होने वाला है. और इन सब लोगों के लिए जो मतलब अभी जैसे कि ये लोग आए हैं और कितने लोग खा रहे हैं, हम भी नहीं लेके आए थे लेकिन मेरा पेट बहुत भरा हुआ है. जैसे हमारे पास भी है ना लिट्टी, हमारे पास लिट्टी यार लिट्टी. सत्तू की लिट्टी एकदम खस्ता, अरे खस्ता मस्त. मेरठ, जी हाँ, यही वो शहर है जहाँ से आज़ादी के लिए पहली बार क्रांति शुरू हुई थी. और मंगल पांडित को तो जानते ही हैं आप. वो ये शहर क्रिकेटर्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है. काफ़ी सारे फेमस क्रिकेटर्स हैं मेरठ से, आप जानते हैं. नेम इट इन द कमेंट बॉक्स. हमारी शताब्दी जो है 02018 मेरठ सिटी पहुंच गई है 9:20 को. वैसे इसका टाइम है 9:23 और यहाँ से 2 मिनट में वो प्रस्थान कर जाएगी, मतलब 9:25 को. लेकिन अभी मेरे लिए मुझे लगता है 5 मिनट और है. इवन सैनिटाइज़र है यहाँ पर, हैंड सैनिटाइज कीजिए, ध्यान दीजिए. यहाँ पर वैसे सीसीटीवी कैमरास भी है, तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो किसी को दिक्कत कर जाए. तो प्लीज़ रूल्स को मेंटेन कीजिएगा और जहाँ तक हो सके सफ़र को एंजॉय कीजिएगा. कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी और पैसेंजर को या इवन स्टाफ को कोई दिक्कत हो. अरे 12 बजे कहाँ मिलेगा जी रिक्शा? वेल दोस्तों, तो यात्री उतर चुके हैं गाजियाबाद और ये आता है 10:07. 2 मिनट में यहाँ से ट्रेन चल पड़ेगी. जो हमारे स्टेशन को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज काफ़ी नीट होते हैं, क्लीन होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं. काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, रिनोवेशन वर्क चल रहा है, एक्सटेंशन वर्क चल रहा है, एक्सपेंशन वर्क चल रहा है. और सबसे बेस्ट है ट्रैक्स पर पट्टी नहीं होती है. यात्री कृपया ध्यान दें, शताब्दी एक्सप्रेस में गाजियाबाद से चढ़ने वाले यात्रियों का भारतीय रेल हार्दिक स्वागत करती है. हम आपकी सहज सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए कामना कर रहे हैं. ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली और एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गई है. बजे हैं अभी 10:55. सो ओके गाइस, सो दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए. वेल दोस्तों, तो आप ट्रेन के सारे व्लॉग आने वाले हैं एक्सट्रीम रेल्स पर, तो प्लीज़ आप जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए और जब उस पर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे तो शेयर भी कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, उसी सेम नाम से होगा इंस्टाग्राम भी. तो मिलते हैं फिर एक्सट्रीम रेल्स पर. हेलो, और ये हमारी लास्ट ट्रेन का व्लॉग मोस्टली होने वाला है एक्सट्रीम रोड्स पर. And we say bye to them. Bye. Bye. तो दोस्तों ये ब्लॉग तो आपको पसंद आया ही होगा, लाइक कर दीजिए. मिलते हैं एक्सट्रीम रेंज पर. ओके देन.